भावनाओं में खुशियों का विस्तार, घर बैठे मिलेंगी सेवाएं अपार। पिछले 10 सालों में भारत में इंटरनेट की पहुंच क्रांतिकारी रूप से बढ़ी है। आज ई संचार, ई शिक्षा, ई बैंकिंग, ई व्यापार एवं ई सेवा आदि से जीवन सुगम व सरल बन गया है। यही कारण है कि जन जन तक इंटरनेट को पहुंचाने के बाद भारत सरकार अब ई गवर्नेंस के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसका लक्ष्य सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग नागरिकों को सरकारी सूचनाएं, सेवाएं एवं उनके साथ संबंध स्थापित करना है। विविधताओं से भरे भारत जैसे विकासशील देश में शासन की जटिलताओं को कम करना व सरकार एवं नागरिकों के मध्य संबंध मजबूत करना आसान काम नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि बहुत मजबूती के साथ ई गवर्नेंस योजना से हर गांव को जोड़ा जाए। इसी बात को समझते हुए ई गवर्नेंस की संकल्पना को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से जोड़कर गांवों तक पहुंचाया है। नदी नालों, पहाड़ियों, दुर्गम रास्तों और बड़े पैमाने पर बर्फीली चट्टानों के कारण जम्मू कश्मीर में ग्राम स्तर पर संचार करना या वहां सेवाएं प्रदान करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, लेकिन इन सभी भौगोलिक चुनौतियों से निपटने में इंटरनेट सहायक है। डिजिटल संचार के माध्यम से सरकार एक तरफ जहां किसी भी तरह की सेवा, सहायता और सूचना को गांवों तक पहुंचा सकती है, तो वहीं ग्रामीण भी घर बैठे आवेदन, अद्यतन शुल्क व नामांकन आदि का लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ई गवर्नेंस सेवा को जम्मू कश्मीर के पंचायतों तक पहुंचाने के लिए निम्नांकित बातों की अपेक्षा की गई है। ग्राम पंचायत स्तर तक लोगों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना, पंचायत स्तर पर सरकारी कार्यालयों में इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई, मैसेजिंग आदि सुविधा देना, अबाधित बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना, जिला एवं पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित कार्मिकों को संसाधन देना, मांग के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर तक सुरक्षित क्लाउड ढांचा देना, राष्ट्रीय आंकड़ों केंद्र, राज्य डाटा सेंटरों और अन्य डाटा सेंटरों का एकीकरण करना, विभिन्न आर्थिक सामाजिक वर्गों को डिजिटल माध्यमों से जोड़ना, ग्रामीण युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ई गवर्नेंस की संकल्पना को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत गांवों तक लाया जा रहा है। ई पंचायत से ग्रामीणों को आशा की नई किरण मिली है, क्योंकि इससे पंचायती राज संस्थानों में आधुनिकता, पारदर्शिता और कार्य कुशलता आई है। ई गवर्नेंस से सहभागिता को 4 चरणों में बांट सकते हैं, जैसे सा से सा वो कार्य जो सरकार से सरकार के मध्य होते हैं, सा से ना वो कार्य जिसका सरोकार सरकार और नागरिकों के मध्य है, सा से वो कार्य जो सरकार और व्यापार के मध्य हैं, गा से का वो सभी कार्य जिसका सरोकार सरकार और उनके कर्मचारियों के मध्य है। जम्मू कश्मीर में ग्राम स्तर पर ई गवर्नेंस के विभिन्न उद्देश्य हैं। ऑनलाइन सेवाओं का प्रावधान, ई प्रशासन और ई सेवाओं का एक साथ समायोजन, नीति और कार्यक्रम से संबंधित जानकारियों का प्रकाशन, सरकार की योजनाओं की सफलता के लिए आईटी का उपयोग, सरकार के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करना, जनता के प्रति संस्थाओं की पारदर्शिता व जवाबदेहिता तय करना, सूचनाओं के माध्यम से लोगों को सशक्त एवं जागरूक बनाना, शासन प्रणाली में सुधार करना, व्यापार एवं उद्योग के विकास में सहयोग करना, डिजिटल ग्राम सभाओं की परिकल्पनाओं को रफ्तार देना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ई गवर्नेंस की संकल्पना 4 स्तंभों पर आधारित है, जिसमें
जनमानस, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी और संसाधन शामिल हैं। ई गवर्नेंस के माध्यम से आज सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा लोगों को कई तरह की सुविधाएं घर बैठे ही मिल रही हैं, जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, PMAY, फसल बीमा, डिजिटल वित्तीय लेन देन की सुविधाएं, भूमि रिकॉर्ड एवं भूमि रिकॉर्ड से जुड़ी अन्य सेवाएं, आधार कार्ड का पंजीकरण व अपडेट, चुनाव आयोग की सेवाएं, ई रिचार्ज, बिल संग्रह और ई कॉमर्स जैसी सुविधाएं, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं, फसल एवं पशु बीमा सेवाएं और शिक्षक सेवाएं आदि। तो ई गवर्नेंस आज के समय में विकास की तकनीक है, जिससे हमारे जीवन के अनेक कार्य क्रियान्वित किए जा सकते हैं। तो आइए हम सब इससे लाभ उठाएं। जुड़ेंगे ग्राम विकास के संग, सूचना पाना अब होगा सुगम। जय हिंद, जय भारत।